कर लेता हूँ बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है सर वॉइस क्वालिटी का इशू आ रहा है।, 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 है ना चलिए इसे सही करते हैं एक मिनट दे दीजिए सर हेलो यार हेलो एवरीवन। सो एक मिनट दे दीजिए सर वॉइस क्वालिटी का जो इश्यू आ रहा है उसे दूर कर देते हैं और अपनी क्लासेस को मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं आज चलिए आप देखिए सर आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियर है सर अब बताइए मुझे एक बार वॉइस क्वालिटी मैं भी चेक कर लेता हूँ हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून बताएं सर अब ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट में बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सर और सेशन स्टार्ट करते हैं है है। चलिए अब मेरे ख्याल से सही हो गया है ना <laughs> क्लास को लाइक कर दिया भाई पिंटू गुड आफ्टरनून एवरीवन तो आज सर ब्रिक वाला चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं क्या आप लोग रेडी हैं ब्रिक चैप्टर ख़त्म करते हैं और फिर सीमेंट पे आ जाते हैं सर सीमेंट शुरू कर देंगे फिर हम लोग फटाफट शेयर कर दो यार क्लास को मैं भी शेयर कर देता हूँ क्लास को एक मिनट रुकी सर एक मिनट रुकी इसे शेयर ही कर देते हैं चलो भाई शुरू करते हैं तो पहले ब्रिक कवर कर लेते हैं सीमेंट कवर कर लेते हैं कॉन्क्रीट कवर कर लेते हैं तो यार सीक्वेंस से चलेंगे सर पूरा का पूरा पूरा सीक्वेंस से अपने को चलना है ठीक है तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग ब्रिक्स पढ़ेंगे ठीक है शुरू करें सर आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं सर मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ और अन के बारे में कुछ बता देता हूँ मेरा नाम अपूर्व मित्तल है ठीक है सो हेलो गाइज एंड वेरी 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 वेल वेलकम टू दिस क्लास आज की क्लास में सर आप लोग का स्वागत है तो आज की क्लास होने वाली है सर बहुत ही बढ़िया क्योंकि आज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं तो देर किस बात की सर क्लास शुरू करते हैं और इसे शेयर कर दीजिए क्लास को और एक लाइक like बटन पे प्रेस कर दीजिए ठीक है क्लास होने वाली है बहुत ही बढ़िया मगर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ और अन के बारे में कुछ बता देता हूँ सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो मेरा नाम अपूर्व मित्तल है या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं मैं कहां से पढ़ा हूं बीटेक मैंने कहां से करी है और देखिए सर मैं डीटीयू का यू कहलू बनाई हूँ ठीक है पहले मेरे कॉलेज को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोला जाता था नाउ इट इज ई ऑटोनमस यूनिवर्सिटी बन गया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सर मेरी जो बीटेक हुई थी वो हुई थी टू में तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ आज लगभग ये सफ़र नौ साल हो गए सर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए इंडिया के हर कोने में जहाँ जहाँ मेजर कोचिंग है जहाँ जहाँ गेटीएससी की कोचिंग है वहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है सर अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और आप देख सकते हैं सर नौ साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते अन अकेडमी में सर लगभग दो साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और देखिए सर पाँच साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए ठीक है जो मेरा काम है साइट पे जो मेरा काम है वो ये रहता है कि मैं आर स्ट्रक्चर को मॉनिटर करता हूँ एज पर ड्रॉइंग उन्हें एग्जीक्यूट करवाता हूँ स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करता हूँ एज पर ड्रॉइंग उन्हें एग्जीक्यूट करवाता हूँ और सर्वेइंग ये सर डेली डे टू डे बेसिस पे साइट पे मेरा काम होता है और सब्जेक्ट भी मैं यही पढ़ाता हूँ सर आर स्टील और सर्वेइंग आर स्टील और सर्वेइंग मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ क्या रीज़न है सर यही सब्जेक्ट पढ़ाने का क्योंकि देखिए जब डेली डे टू डे बेसिस पे मैं साइट पे चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज को फिर जब मैं सब्जेक्ट थियोरी सब्जेक्ट्स में जब मैं कवर कराता हूँ तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है इसीलिए मेरी साइट की जो नॉलेज है वो मेरे लेक्चर्स में जब मिलती हैं तो स्टूडेंट को हर एक चीज़ समझ में आती है और इसका सबूत जो है अभी मैं डेटाज़ के साथ आपके सामने रखूंगा सर ठीक है कभी भी आपको अगर मेरी क्लासेस सर्च करनी है या ये देखना है मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ किस टाइम पर पढ़ा रहा हूँ तो आप बस एक काम करिए गूगल पर मेरा नाम सर्च कर लीजिए अपूर्व मित्तल ठीक है अपूर्व की स्पेलिंग है ए पी डबल टी एल आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए अपूर्व मित्तल और आपको मेरा अन अकेडमी का पेज मिल जाएगा तो सर एक काम वहां पर आपको ये करना है जब आपको ऐसा पेज मिल जाए बिल्कुल ऐसा पेज आपको दिखेगा सर ये देख लीजिए आप बिल्कुल ऐसा पेज दिखेगा जिसमें वॉच टाइम जो है टू मिलियन से सर थ्री मिलियन होने वाला है बहुत जल्दी थ्री मिलियन का वॉच टाइम होने वाला है और जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं थर्टी फाइव हंड्रेड से भी ज्यादा स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं ठीक है ऐसा पेज आपको मिलेगा वहां पर फॉलो बटन प्रेस करना ना भूलिएगा क्या रीज़न है मैं बार बार बताता हूं कि फॉलो बटन प्रेस करना है इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं कोई अन के ऐप पर स्पेशल क्लास लेता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि मैं किस टाइम पे कितनी ड्यूरेशन की किस टॉपिक पे क्लास लेने वाला हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर टू वे स्लैब नहीं आता ठीक है या फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में कोई डिफिकल्टी है वर्केबिलिटी नहीं समझ में आती है किस पे डिपेंड करती है वर्केबिलिटी तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिनों में अगर वर्केबिलिटी का लेक्चर लूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आज वर्केबिलिटी का लेक्चर लेने वाला हूं और आपकी वो क्लास मिस नहीं होगी क्लियर एवरी वन तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉलो बटन जरूर प्रेस करना है ये पैंतीस सौ स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं तो सर आप भी फॉलो कर लीजिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ अन अकेडमी ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी ठीक है आगे बढ़ते हैं सर तो बेस्ट मैराथन का अवार्ड मुझे मिल चुका है सर पिछले साल जुलाई 2020 में और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही बहुत 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 खास है क्योंकि मैंने एक आर की सर मैराथन ली हुई है जिसमें आर की मैराथन ली है जिसमें सर लगभग पचास हजार से ज्यादा व्यूज हैं और सर तेरह हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो पे फीडबैक फॉर्म भरा है कि सर ये क्लासेस हमारे लिए बहुत अच्छी हैं ये मैराथन बहुत अच्छी है उनके बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं इस मैराथन की वजह से ठीक है जाके जरूर देखिएगा इसी चैनल के टॉप टेन वीडियोज में पांच वीडियो सर मेरी है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है बहुत ही बढ़िया कंटेंट उसमें दिया है तभी तो यार एक एक लाख व्यू होने वाले हैं किसी किसी वीडियो पे ठीक है जाके देखिए यार क्यों पीछे हटे जाके देखिएगा जरूर ठीक है आगे बढ़ते हैं सर अन अकेडमी ऐप पे आप मुझे बस मेरा नाम से सर्च कर लीजिए अपूर्व मित्तल या फिर मेरे रेफरल कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड है सर ए एस एम लाइव ए एस एम लाइव क्लियर एवरी वन तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए सर वहां पर स्पेशल क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस का क्या फायदा होता है इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं ठीक है इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं पोल्स होते हैं ठीक है ठीके? आप लाइव क्लासेस में अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं कमेंट में मतलब आप कमेंट टाइप कर सकते हैं एजुकेटर लाइव मतलब बिल्कुल ऐसा फील आती है कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं पोल्स होते हैं सर जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया क्लास में तो उसका पोल होगा चार ऑप्शन में से क्या सही होगा फिर मैं देखूंगा क्लास में अगर सौ बच्चे हैं तो उसमें से कितने स्टूडेंट ने सही किया है किसने कितने कम समय में आंसर किया तो बहुत सारी चीजें एनालाइज होती हैं इससे यह पता लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉग है उस टॉपिक पे ठीक है नेवर मिस अ क्लास अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उस क्लास को डाउनलोड करके कितनी बार भी देख सकते हैं लेक्चर के नोट्स बना सकते हैं सर ठीक है लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी पी होती है आप लेक्चर के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं कोई कंस्टेंट नहीं है कोई क्लास में नहीं जाना घर पर बैठे हैं सर नेट होना चाहिए आपके पास और स्पेशल क्लास देखिए और मज़े की बात यह है सर कि ज़्यादा डेटा भी नहीं लगता स्पेशल क्लासेस में तो कम डेटा लग रहा है ठीक है समय की बचत हो रही है ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्लास लेने के लिए मिस हो जाती है क्लास तो रिपीटेड देख सकते हैं आप तो ये चीज़ है तो बहुत फायदे हैं सर ऑनलाइन पढ़ने के भी आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो जैसे आप मेरे पेज पे जाएंगे अपूर्व मित्तल आपने सर्च किया आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर जो भी मैंने डिटेल दिया ने उसे वेरीफाई कराया है चाहे मेरा कॉलेज हो चाहे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस हो मेरी गेट की रैंक हो एस एस जेई की रैंक हो ठीक है तो आपको क्या करना है सर मेरे पेज पे जाना है इस तरीके से आपको मेरा पेज मिल जाएगा और सी ऑल पे जाके आप जब देखेंगे ना मैंने सी ओर पर क्लिक करेंगे तो अब तक मैंने जितनी भी पेड क्लास और जितनी भी फ्री क्लासेस ली हैं वो सब आपको मिल जाएंगी ठीक है जाके जरूर देखिएगा जितनी भी पेड क्लास जितनी भी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ली हैं वो सब मिल जाएंगी स्पेशल क्लासेस पे पूरी सर्वेइंग मैंने कवर कराई है बट थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा तेरह अगस्त दो पिछले साल तो लगभग लगभग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरे सर्वेइंग के लेक्चर मिल जाएंगे और सर्वेइंग के साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है सर पूरा सर्वेइंग मैथमेटिक्स तो YouTube के अलावा यहां से भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं YouTube पे सर मैंने आर सी सी के फंडामेंटल्स क्लियर करवाए आप पूर्व मित्तल आर सी सी टाइप करेंगे तो ये अट्ठारह लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने डब्ल्यू एस एम एल एस एम डिजाइन फिलासफीज पूरी एक्सप्लेन करी हैं साथ ही साथ स्टील की प्रॉपर्टी और कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सप्लेन करी है जाके देखिएगा सर बहुत मजेदार क्लासेस हैं जाके देखिएगा बहुत आपको मजा आएगा और आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे सर इस चीज में ठीक है ना और देखो सर ये 22 घंटे की वीडियो है इस वीडियो में तो पचास हजार से ज्यादा व्यू हैं यार ठीक है मैं आपसे बोल तो रहा हूँ इसी चैनल की टॉप टेन वीडियो जाके देख लीजिए उसमें आपको पता लग जाएगा मैंने कैसा कंटेंट दिया से है स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स देखिए उनके रिव्यूज देखिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तब तसली करिएगा सर ठीक है चलो सर आगे बढ़ते हैं ये अवार्ड मुझे कुछ मिले हुए हैं तो अन पे सर प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है सर देखिए ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों में मुझे डिफरेंस बता दीजिए कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए देखो प्लस के अपने एडवांटेज हैं और आइकॉनिक के भी अपने एडवांटेज हैं प्लस का एडवांटेज यह है कि सर इसमें लाइव क्लासेस होती हैं क्रैश कोर्सेज होते हैं वीकली टेस्ट होते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास होती है रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज होते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल क्लास तो आप फील लीजिए स्पेशल क्लास में आगे कि कैसे पढ़ाई होती है ठीक वैसी ही आपके प्लस क्लासेस होती हैं अब देखो हिंदी इंग्लिश में क्लासेस होती हैं वही सेम सारी चीजें कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं लाइव क्लासेस होती हैं लाइव आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी क्लास मिस हो जाती है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं क्रैश कोर्सेज लाइव वीकली टेस्ट होते हैं डाउट सॉल्विंग हर तीन लेक्चर के बाद एक डाउट सॉल्विंग सेशन होता है उसमें यह कराया जाता है कि आपकी तीन लेक्चर के बाद एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें कोई भी डाउट आपके लेक्चर्स के रिगार्डिंग होता है तो आप वो क्लैरिफाई कर सकते हैं प्लस आइकॉनिक में क्या होता है प्लस वाली सारी सुविधाएं तो मिलती हैं साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच अलॉट हो जाता है जो आपकी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपका पूरा साथ देता है आपको मोटिवेट करता है ये फायदा होता है स्टडी प्लानर आपका बनाया जाता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आर बहुत अच्छा आता है मगर स्टील आपका वीक है तो स्टील पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा तो ये सारी चीजें स्टडी प्लानर एक डेडिकेटेड आपको कोच दिया जाएगा पर्सनल कोच आपका होगा जो आपको गाइड करता रहेगा आपके रिगार्डिंग आपके टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जेक्ट वीक है उसके ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये सारे एडवांटेज होते हैं सर प्लस के और आइकॉनिक के अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की देखिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें चाहे छह महीने का चाहे बारह महीने का अठारह महीने का चौबीस महीने का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं, सर, ASM Live, ये करने से सर, आपकी जो सब्सक्रिप्शन में इतने सारे एजुकेटर है, सर, आपका ही करें। इसका रीजन ये है सर एक तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है नौ साल हो गए सर मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट सर आज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ठीक है नौ साल हो गए सर पढ़ाते हुए मुझे तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि स्टूडेंट से बात करते ही पता लग जाता है वो कहाँ लैक कर रहा है किस डायरेक्शन में सोच रहा है तो अगर आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना या फिर क्या कहते हैं मेरी टीम का हिस्सा बन के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा और मुझे मैसेज करना होगा सर हमने आपका कोड यूज किया है अब आपके सिलेक्शन अब हमारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी सर आपकी है ठीक है तो गाइज ये कोड नहीं है ये सच में एक इमोशन है इमोशन क्यों है क्योंकि यार आपने मेरी वीडियो देख के या मेरे कहने से ये कोड अगर अप्लाई किया है तो सर मेरी जिम्मेदारी बनती है आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको वसूल करवाना या फिर आपका सिलेक्शन करवाना ठीक है तो इसीलिए मैं कहता हूं सर ये कोड नहीं है ये एक बॉन्ड है आपके और मेरे बीच में ठीक है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं सर ये कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लें आप चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें ठीक है दोनों में ही ये कोड यूज करेंगे मेरी गाइडेंस मिलेगी साथ ही साथ आप जैसी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन एकेडमी के जितने भी एजुकेटर हैं सबके वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएंगे और दूसरी चीज क्या है टेन परसेंट का आपकी फीस कम भी हो जाएगी तो इतने सारे बेनिफिट आप लोग को मिल रहे हैं ये कोड यूज करने में तो ध्यान रखिएगा सर ए एस एम लाइव मेरा पूरा नाम है अपूर्व शुभम मित्तल अपूर्व का ए है शुभम का एस है मित्तल का एम है और लाइव क्लासेस तो सर चलती हैं अपनी ए एस एम लाइव ठीक है सर ये ध्यान रखिएगा ए एस एम लाइव लाइव क्लासेस अपनी चलती हैं आगे बढ़ते हैं सर और याद रखिएगा सर अन अकेडमी कॉम्बैट होता है

हम गेट एग्जामिनेशन में बैठे हैं भारत के बहुत सारे स्टूडेंट लगभग साठ हज़ार से भी ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उसमें ऑल इंडिया रैंक बनती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं अभी और अच्छा कर सकता हूँ या जो भी आपने किया आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू ठीक है और फायदा क्या है अगर आप टॉपर्स हैं टॉप रैंकर्स में से एक हैं तो आप सर आपको अप टू हंड्रेड परसेंट तक की आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी ठीक है और बात करते हैं सर अन अकेडमी चार करोड़ से भी ज़्यादा प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग्स जी स्टूडेंट ताकि उनकी लर्निंग में कोई इफेक्ट ना आए और बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल कंस्टेंट ना आए और वो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें ठीक है बहुत इकोनॉमिकल है चीजें आगे बढ़ते हैं सर लक्ष्य और आरोहन बैच लक्ष्य और आरोहन बैच सर स्टार्ट हो रहे हैं गेट यस सी और ट्वेंटी के लिए तो देर किस बात की सर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपका सिलेबस पूरा करा रहे हैं ऑफलाइन की फील्ड जैसा ठीक है देर मत करिए रजिस्टर कर लीजिए और अपना सिलेक्शन की तैयारी कर लीजिए अभी जो ऑफर चल रहा है छह महीने के गेट और ए के सब्सक्रिप्शन पे एक महीने का एस एस जेई का सब्सक्रिप्शन है सर फ्री और दूसरी चीज क्या है बारह महीने के गेट और ए के सब्सक्रिप्शन पे दो महीने का एक्स्ट्रा फ्री है मतलब बारह महीने के लिए पे करिए चौदह महीने तक की वैलिडिटी पाइए साथ में तीन महीने का एस एस का सब्सक्रिप्शन फ्री है दो साल का गेट और एसी का सब्सक्रिप्शन लीजिए चार महीने का सर आपको चार महीने का गेट और एस एक्सटेंड हो जाएगा साथ में छह महीने का एस एस का सब्सक्रिप्शन फ्री है तो ये सर अभी ऑफर चल रहे हैं एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप किसी भी अनएकेडमी एजुकेटर का कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आप सामने लेके आइए और आपको उसमें प्राइजेस मिलेंगे इसे बोलेंगे बग्स बाउंडी ठीक है कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगे unacademy, इसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी एजुकेटर का लगे वो नोटिस में लेके आइए और प्राइजेस जीतिए ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं सर मेरा जो रेफरल कोड है आप किसी को भी अपने भाई बंधु को रिकमेंड कर सकते हैं ए एस एम लाइव मेरा रेफरल कोड है अनअकेडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करिए ये कोड लगा दीजिए कम से कम दस परसेंट आपका सब्सक्रिप्शन फीस कम हो जाएगी ठीक है तो कोई आपका अगर भाई बंधु आई आई की तैयारी कर रहा है नीट की तैयारी कर रहा है तो भी आप मेरा रेफरल कोड बता सकते हैं और ये है सर मेरा रेफरल कोड ए एस एम लाइव ठीक है सर आगे बढ़ते हैं तो अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं पेमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हैं बाई पार्ट्स कर सकते हैं जैसे मान लीजिए एक बार में पूरा पैसा नहीं दे सकते तो आप बाई पार्ट्स इसे पेमेंट कर सकते हैं ठीक है क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं वॉलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं ई भी बनवा सकते हैं बैंक के थ्रू ई भी बना सकते हैं अब यह सुविधा है कि डेबिट कार्ड में भी ई बन रही है क्रेडिट कार्ड में भी ई बन रही है कुछ बैंक्स डेबिट कार्ड में भी ई बना दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या अगर आपको सब्सेंशन रिलेटेड कोई क्वारी है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप वहां मुझे कॉल कर सकते हैं या अन अकेडमी ऐप पर मुझे मैसेज करके मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा वहां से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं सर तो रिविजन बैचेस तो होती ही है साथ में लेट स्टार्ट विल स्टडी आज हमारा जो स्टार्ट करें सर आज का टॉपिक सर्वे मैराथन क्लासेस चलिए भाई आप लोग के डाउट्स ले लेता हूं अभी मैं आपने डाउट पूछा है बी यूनिक ने डाउट पूछा है गुड आफ्टरनून भाई जीतू मनीष एनडब्ल्यू डी ए भाई एक बार मुझे पेपर चेक करना पड़ेगा मुझे इसके लिए एक दिन का टाइम दे दीजिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी पेपर देखना पड़ेगा मुझे कि पेपर कैसा आया था तब मैं इवेल्युएट कर लूंगा कि 85 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए सेफ है कि नहीं है ठीक है मुझे टाइम दीजिए बता दूंगा मैं हेलो भाई जीतू मनीष आपका आंसर कर दिया मैंने सर्वे का मैराथन कब होगा सर्वे का मैराथन इसके बाद ले लेंगे अभी देखो मेरा पूरा फोकस बिल्डिंग मटेरियल पर ही है अभी मेरा पूरा फोकस बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे ही है सर ठीक है पूरा फोकस मेरा अभी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे है तो मैं चाहूंगा कि अभी पूरा बीएमसी कवर कर लेते हैं और बहुत अच्छी स्पीड से कर भी रहे हैं सर हम लोग हमने स्टोन कवर कवर कर लिया आज ब्रिक हो जाएगा कल से सीमेंट स्टार्ट कर दूंगा सर मैं सीमेंट खत्म हो जाएगा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा तो लगभग लगभग नाइनटी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा फिर तो छोटे छोटे टॉपिक ही बचेंगे <laughs> बढ़िया है भाई जीतू यार तो भाई जो भी चीजें स्टार्ट होंगी ना जो भी चीजें स्टार्ट होंगी वो एक काम करेंगे जो भी चीजें स्टार्ट होंगी वो पहले ये कवर कर लेते हैं उसके बाद ही सर दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं पहले एक सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लेंगे सर ठीक है क्लियर है तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना पहले स्टोन की मैंने थ्योरी आपको बता दी और उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर करा दिए इसी तरीके से ब्रिक की मैंने थ्योरी कवर करा दी और उसके बाद सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इसी तरीके से सीमेंट की मैं थ्योरी करा दूंगा आपको और फिर सीमेंट के क्वेश्चन करा दूंगा ठीक उसी तरीके से कंक्रीट की भी थ्योरी करा दूंगा और उसके क्वेश्चन कवर करा दूंगा तो थ्योरी पहले कर ले रहे हैं कीवर्ड लिख ले रहे हैं समरी लिख ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन कर ले रहे हैं समरी क्वेश्चन समरी क्वेश्चन तो इसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं पहले समरी कर ले रहे हैं सब्जेक्ट की टॉपिक की और फिर उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कर ले रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार आपके पास नोट्स भी बन रहे हैं और आप क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर ले रहे हैं ठीक है और किसी भी एग्जाम में अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल प्रिपेयर करना है तो सर एसएससी जेई के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए क्योंकि पिछले तीस सालों में लगभग लगभग 700 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 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 700 सौ से मैंने कम बोल दिया लगभग हजार क्वेश्चन आए हुए हैं सर ठीक है तो इससे अच्छा तरीका नहीं है सर बी यूनिक देखिए अनएकेडमी स्पेशल क्लासेस में जो मेरे लेक्चर हो रहे हैं उसमें क्या होता है उसमें एक फायदा यह होता है कि उसमें जो मैं एक्स्ट्रा कंटेंट दे दे रहा हूं मतलब जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है ठीक है वहां थियोरी ज्यादा कवर हो रही है और क्वेश्चन भी हो रहे हैं मतलब यहां का टेन परसेंट ज्यादा वहां पर मैं अप्लाई करवा रहा हूं ठीक है कभी कभी कुछ पॉइंट होते हैं जो यूट्यूब पे मतलब स्मार्ट बोर्ड पर मैं नहीं लिख पाता हूं जगह कम है वहां पर क्या होता है फ्री हैंड है मतलब बहुत सारे पेजेस में ऐड कर सकता हूँ तो कुछ लिमिटेशन है कुछ फायदे भी हैं जैसे वहां पर मैं आगे चल रहा हूं वहां पर सीमेंट के मैं क्वेश्चन करा चुका हूं लगभग लगभग बहुत सारे यहां पर ब्रिक पे हूं तो क्योंकि यहां पर क्या होता है हर एक स्टूडेंट के डाउट पहले मैं पढ़ाता हूं फिर डाउट देखने पड़ते हैं तो थोड़ा सा लैग होता है बट अन अकेडमी स्पेशल क्लास में बहुत स्ट्रीम लाइन चीजें होती हैं तुरंत जैसे ही आपने डाउट भेजा तुरंत मेरे सामने फ्लैश हो जाएगा लैग नहीं होता कुछ भी ठीक है तो मुझे एज अ परस मतलब पर्सनली मैं आप ये बता रहा हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट को समझाने का वो अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में थोड़ा सा अच्छा होता है सर बट हां ओवरऑल कंटेंट जो ओवरऑल कंटेंट की बात करूं ज्यादा वेरिएशन नहीं है आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं आप स्पेशल क्लास में भी पढ़ सकते हैं यही रीजन है स्पेशल क्लास में यार सौ से सौ स्टूडेंट तक पढ़ते हैं लाइव मेरे साथ लाइव सौ से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे साथ लाइव कभी भी आप देख लीजिएगा लगभग लगभग सौ स्टूडेंट लाइव पढ़ते हैं ठीक है तो यार यही रीजन है कि इतने सारे स्टूडेंट वहां पर जुड़ते हैं ठीक है ये रीजन है सर शुरू करें सर आज का अध्याय तो आज हमें क्या करना है सर पूरा ब्रिक फिनिश कर ले रहे हैं ब्रिक को आज हम क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज उसे कवर कर लेते हैं और फिर कल से हम लोग क्या करेंगे सर सीमेंट स्टार्ट कर देंगे ठीक है स्टार्ट करें सर रेडी हैं आप लोग रेडी हैं सर आप लोग एक एक लाल लाइक कर दीजिए यार सेशन को एक हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं भाई एक है बस एक मिनट रुकिए स्टार्ट कर रहे हैं चलिए सर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं ये पढ़िए चलिए फटाफट कल हम लोग शायद यहां तक पढ़ चुके थे बट फिर भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करिए एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर करिए सर क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए सर क्या करेक्ट आंसर होगा जल्दी जल्दी बताओ यार आंसर ये है एस एस सी जी दो हजार सोलह का क्वेश्चन है ना ठीक है ये कल हम लोग कर चुके हैं सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी वेरी गुड योर वेरी वेरी गुड करेक्ट आंसर क्या होगा सर फटाफट बताओ बहुत बढ़िया द पोर्शन विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ दी विड्थ एंड हाफ दी देखो जैसे ये ब्रिक है ये कल बताया था शायद मैंने आप लोग को बट ठीक है रिपीट हो गया यह क्वेश्चन आज ये ब्रिक है सर ठीक है अब इस ब्रिक को मैंने क्या किया लेंथ एज इट इज रखी और क्या कर दिया सर लेंथ एज इट इज रखी वृत को आधा कर दिया यहां से काट दिया यहां चाकू लेके ये काट दिया ठीक है ये काट दिया ठीक अब ये काटने के बाद क्या किया मैंने जो भी ब्रिक बची है मेरी देखिए ये ब्रिक बची है ये ये ग्रीन वाली ब्रिक बची अब ये ग्रीन वाली ब्रिक बची अब इस ग्रीन वाली ब्रिक में भी मैंने क्या किया व्रत आधी कर दिया अब लेंथ आधी करूंगा मैं तो अब मैंने क्या किया ये लेंथ आधी ले, ले ली मैंने आधी लेंथ ले ली ले ले, अब ये ब्रिक बचा इसको क्या बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर बोलते हैं ये जो व्हाइट वाली अब बची क्वीन क्लोजर क्वार्टर बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर ये जो आधा बचा सर ये देखिए ये चीज बची है तो लेंथ का भी आधा हो गया विड्थ का भी आधा हो गया दिस इज नोन एज क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्वार्टर क्वीन क्लोजर क्वार्टर बच गया सर यस और नो ठीक है तो ये चीज है कोई भी ट्राइंगुलर कॉर्नर नहीं है इसमें ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट है कल बताया था ना यार ये मैंने आप लोगों को क्वीन क्लोजर क्वार्टर ऑप्शन बी फॉर भागलपुर इज दी करेक्ट आंसर ठीक है ना सर जय बात बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड आगे बढ़े चलिए सर आगे बढ़ते हैं फटाफट करते हैं आज के क्वेश्चन को एस एस सी जी दो का क्वेश्चन है फटाफट पढ़ें और इसका करेक्ट आंसर बताएं सर क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट पढ़ें सर आगे बताइए वेन ए ब्रिक इज कट इन टू टू हाफ हाँ लॉन्गिट्यूडली वन पार्ट इज कार्ड लॉन्गिट्यूडली दो पार्ट में कट कर रहे हैं तो एक पार्ट क्या होगा सर क्वीन क्लोजर हाफ होगा वेरी गुड यार वेरी गुड क्वीन क्लोजर हाफ होगा क्वीन क्लोजर हाफ और उसका भी हाफ कर दिया तो क्वीन क्लोजर क्वार्टर हो जाएगा ठीक है तो क्वीन क्लोजर कहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है सर ऑप्शन सी पे लिखा है ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वीन क्लोजर इज द करेक्ट आंसर ठीक है सर ठीक है सी फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर बूझे कि नहीं बूझे भाई ठीक है आगे बढ़ें जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं सर आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए एस एस सी जे दो में आया हुआ क्वेश्चन है करेक्ट आंसर दीजिए करेक्ट आंसर बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और बताइए एक मिनट में

बताएं सर इसका करेक्ट आंसर वेरी गुड यार वेरी गुड रेड कलर ऑप्टेन द ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड देखो आयरन क्या करता है हेल्प करता है सिलिका को फ्यूज करने में एज वेल एज कलर इंपार्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चेरी रेड कलर और अदरवाइज रेड इज ब्राउन कलर ठीक है क्लियर है सर समझ में आ गया आगे बढ़े चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एसएससी जेई 2016 में यह भी आया हुआ है करिए बिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक इनमें से कौन सी क्ले ब्रिक बनाने के लिए सबसे बढ़िया है बताएं सर क्या करेक्ट आंसर होगा वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड देखिए बहुत ध्यान से विच फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक इनमें से कौन सी ब्रिक सबसे बढ़िया है सिल्टेड सिर्फ क्ले क्ले अब होता क्या है क्ले है देखिए जो होती ठीक है क्ले तो क्या हो गया ये जो क्ले होती है इसे आप बहुत इजीली मोल्ड कर सकते हैं एल्यूमिनम कंटेंट बहुत अच्छा होता है और इसमें सिलिका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है आ रही है बात में सिलिका कंटेंट बहुत अच्छा हो गया एल्यूमिना कंटेंट बहुत अच्छा हो गया और आप अगर ध्यान देंगे सर ब्रिक में जो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं सलीम सिलिका एल्यूमिना लाइम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया यही तो होता है अब आपको एक सॉइल में ये सारी चीजें मिल गई प्लास्टिक प्लास्टिक कैरेक्टर भी मिल गया और उसके बाद डिजायर स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट भी मिल गया जब सारी चीजें आपको एक ही चीज में मिल गई तो वो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा तो वेदर्ड क्ले इज दी करेक्ट आंसर। और कोई पूछे क्यों वेदर्ड क्ले तो उसका आप आंसर दे सकते हैं ठीक है उसका आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि यार जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो आपके वेदर्ड क्ले में अवेलेबल होते हैं जे बात समझ में आई बताएं सर ये बात समझ में आ गई ठीक है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर है एस एस सी दो हजार सोलह का क्वेश्चन है क्या करेक्ट आंसर होगा द प्रोसेस मिक्सिंग क्ले वॉटर एंड अदर इज नोन एज मतलब आपने क्या किया क्ले मिक्स किया पानी एड किया और आप उससे ब्रिक बना रहे हैं तो इसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं टेम्परिंग पगिंग मोल्डिंग और नीडिंग क्या करेक्ट आंसर होगा सर वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड नीडिंग इज द करेक्ट आंसर नीड करते हैं मिक्स करते हैं फिर उसके बाद उसे ब्लेंड करते हैं ताकि यूनिफॉर्म हो जाए पूरा का पूरा ठीक है अब वो होता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर नीडिंग इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है ये वाली चीज तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू तो मेक ब्रिक इज नोन एज आप जो इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग क्लियर है सर ये वाली चीज ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है समझ गए सर ठीक है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट चीज एस एस सी जी का सवाल है बताइए मुझे एक्सेस ऑफ सिलिका इन दी क्ले अगर सिलिका एक्सेस में है बहुत ध्यान से पढ़िएगा सर सिलिका अगर एक्सेस में है तो क्या हो जाएगा सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है अगर सिलिका ही एक्सेस में हो गया तो क्या होगा सर ब्रिक बिकम आज सैटरडे है संडे है आज आज सैटरडे है शायद कल लेते हैं सौ क्वेश्चन कल करेंगे जीतू सौ क्वेश्चन कल सीमेंट पढ़ेंगे सीमेंट के सौ क्वेश्चन कल निपटा देंगे यार समझ रहे हैं कल सौ क्वेश्चन सीमेंट के निपटा देंगे आज तो ब्रिक खत्म कर लेते हैं हाँ वेरी गुड तो सिलिका अगर एक्सेस होता है अगर आपने 50 से 60 परसेंट जैसे सिलिका 50 से 60 परसेंट होता है और आपने अगर 60 परसेंट से ज्यादा सिलिका दे दिया तो क्या हो जाएगा सर 60 परसेंट से अगर आपने ज्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा ब्रिक बिकम वीक एंड ब्रिटल वीक एंड ब्रिटल वीक हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा आ गई बात समझ में क्लियर है सर ये वाली बात तो ये आपको ध्यान रखना है एल्यूमिना अगर एक्सेस में होता है तो एलुमिना अगर एक्सेस में होता है तो क्या होता है एलुमिना अगर एक्सेस में हो गया सर तो ब्रिक क्या हो जाता है ब्रिक जब भी आप ड्राई करेंगे तो ड्राई करने पे वो वार्प कर जाएगा वार्प ऑन ड्राइंग वार्प ऑन ड्राइंग यस और नो तो ये कीवर्ड्स याद रखने आपको यहां सिलिका पूछा हुआ है सिलिका अगर एक्सेस है क्ले में तो क्या हो जाएगा ब्रिटिल और वीक हो जाएगा क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग ये तो गलत हो गया कलर भी गलत हो गया परमेबिलिटी वाली चीज भी गलत हो गई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है समझ में आ गया सर आगे बढ़े बहुत बढ़िया सर आगे बढ़ते हैं सर ठीक है एस एस सी दो का सवाल है ये पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर करिए द टर्म फ्रॉग मीन्स द टर्म फ्रॉग मीन्स फ्रॉग मतलब क्या होता है द टर्म मेढक मींस क्या करेक्ट आंसर होगा सर इसका फ्रॉग मार्क किस लिए दिया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरर अपना नाम लिख सके ब्रिक थोड़ा लाइट हो सके और शियर की मगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है शीयर की की तरह तरफ एक्ट कराना है इट एक्ट एज अर की फ्रॉग मार्क एक्ट एज अर की फ्रॉग मार्क एक्ट एज शीयर की यस और नो फ्रॉग मार्क एक्ट एज अर की अंडरस्टूड एवरीवन क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर एन अपरेटर्स टू लिव द स्टोन एंड दिप्रेशन ऑन ब्रिक वर्टिकल ज्वाइंट ऑफ द ब्रिक तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सर एक डिप्रेशन होता है फेस ऑफ द ब्रिक में जिसके कारण ये शियर की की तरह एक्ट करता है ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हाँ वेरी गुड यार 100 एम mm एम उसकी लेंथ होती है 40 एम mm एम उसकी विड्थ होती है और एक 10 एम mm एम से 20 एम mm, एम उसकी डेप्थ होती है वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड यार बहुत बढ़िया पिंटू बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े सर चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े इसका करेक्ट आंसर बताइए देखो फिर आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एस एस सी दो का सवाल है सर ये करेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर बताइए द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज देखो मैंने आपको तरीका बताया था ना टेन पॉइंट फाइव सेवन फाइव थ्री पॉइंट फाइव ठीक है फर्स्ट क्लास ब्रिक का ये हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक का ये हो गया थर्ड क्लास ब्रिक का ये हो गया और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का ये हो गया सर ठीक है अब आपसे यहां पर सेकंड क्लास ब्रिक का पूछा है सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अब इसको के जी पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा सर मैं सात इन टू टेन की पावर माइनस वन के जी में कन्वर्ट हो गया टेन की पावर माइनस टू एम एम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो सत्तर के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये याद रखिएगा सत्तर के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन इज दी करेक्ट आई बात में आगे बढ़े सर आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट बताए पग मिल किस काम आता है एस एस सी जई दो का सवाल है बताए सर पग मिल किस काम आता है करेक्ट आंसर बताए सर वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्ले वाटर अदर इंग्रेडिएंट जब आप मिक्स करते हैं उसे नीडिंग बोल देते हैं मगर उसे मिक्स जब कर रहे हैं तो ये पग मिल्स में होता है तो पग मिल्स में जो प्रो उसे बोलते हैं पगिंग ठीक है अब ये किस काम आता है टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ टेंग ब्रिक अर्थ इसम आता है सर यह ठीक है तो पग मिल में होता है पगिंग बोलते हैं प्रोसेस को पगिंग बोलते हैं होता कहांपरिंग ऑफ द्रिक अर्थ टेम्परिंग ऑफ दी ब्रिक अर्थ ठीक है, है सर, जो भी इन्ग्रीडियंट एड कर रहे हैं वो सब हमने एड किया उसे मिक्स कर दिया ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा पग मिल में क्या ऑपरेशन होता है पग मिल में होता है सर टेम्परिंग ऑफ द अर्थ सी फॉर चंडीगढ़ इज कर द करेक्ट आंसर बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े सर आगे बढ़े चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, का करेक्ट आंसर बताइए एस एस सी जी दो हजार ग्यारह में 2016 में आया हुआ सवाल है ये पढ़ें और इसका करेक्ट उत्तर दें बताएं सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ सर करेक्ट आंसर पहले तो मैं बुलनोज ब्रिक आप लोगों को बता देता हूं देखो बुलनोज ब्रिक ये देखिए, ये है सर बुल नोज ब्रिक देखिए देख रहे हैं आप लोग तो कहीं पे भी देखो ये देख रहे हैं डेकोरेटिव पर्पज कहीं पे अगर आपको करना है देख रहे हो ये क्या है बुल नोज ब्रिक है आप देखो सर इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ये देखिए यह ये बुलनोज ब्रिक है क्लियर एवरीवन अब देखो इसमें दो तरीके से होती है एक तो होता है एक साइड बुल नोज और एक होता है डबल साइड बुल नोज अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है यह चीज देखो, देखो बहुत ध्यान से यह चीज देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया इसे राउंड कर दिया और इधर भी मैंने इसे राउंड कर दिया तो ये डबल साइड बुल नोज है क्लियर ये डबल साइड बुल नोज है और ये चीज देखिए ये देखो कहीं पे भी कहीं पे ये देखो, यह देखो।, यह देखो। डेकोरेटिव पर्पज में ये काम आता है तो ये राउंड आपने कर दिया एक फेस आपका ये वाला राउंड है ठीक है जैसे आप ये देख रहे हैं सर ये देखो है ना ये चीज देखिए आ रहा है एस्थेटिक अपियरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो ये होती है सर बुल नोज ब्रिक क्लियर ये एक साइड भी होती है दो साइड भी होती हैं बात समझ में आ गई आप लोग को तो कहां यूज नहीं करेंगे सर ये बताइए मुझे राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है राउंडिंग ऑफ शार्प पिलर में भी यूज करते हैं डेकोरेटिव में ये यूज नहीं होते हैं ठीक है आर्चेज में यूज नहीं होते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इज नॉट यूज इन आर्चेस डी फॉर धनबाद इज दी करेक्ट आंसर क्लियर है सर ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए एसएससी दो हजार सत्रह पे आ गए हैं अब हम लोग करेक्ट आंसर बताइए द डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड बाय फॉलिंग ऑफ द रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज देखो जैसे ये ब्रिक सरफेस है और ये बिल्कुल अभी हॉट है मतलब ड्राई होने ही वाली थी और तब तक इस पर क्या आ गया रेन वाटर इस पर गिर गई रेन वाटर इस पर गिर गई तो इस पर जो डिफेक्ट्स आ जाएगा शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो जो डिफेक्ट्स आएगा उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं सर ये कल मैंने बताया भी था आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चफ्स विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है चप्स विल बी द करेक्ट आंसर यस और नो ठीक है चप्स मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर आगे बढ़े सर है ना आगे बढ़ रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा एस एस सी दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है करेक्ट आंसर बताइए फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैशनरी इनमें से कौन सी कौन सी ब्रिक है जो मतलब बेस्ट सूटेबल है ब्रिक मैशनरी के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ठीक है क्या करेक्ट आंसर होगा सर इसका वेरी वेरी गुड अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था बुलनोज ब्रिक झम् ब्रिक मॉडलर ब्रिक और अंडर अंडरबर्न ब्रिक देखो झम्ब ब्रिक जो होता है ये क्या होता है ओवर ओवरबर्न होता है ये होता है सर ओवर ओवरबर्न ब्रिक तो ओवर ओवरबर्न ब्रिक को हम लोग एज अ कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते हैं अंडर अंडरबर्न ये बहुत हार्ड होता है और क्या होता है सर ब्रिटल बन जाता है और ये क्या चीज है सर बहुत सॉफ्ट होता है अंडरबर्ड ब्रिक सॉफ्ट होता है इसमें डिजायर नहीं आती है तो ऑप्शन बी और डी तो आपने काट दिया अब हर जगह आपको क्या है कि बुलनोज ब्रिक नहीं देना होता है जहां कहीं मान लीजिए कर्ड सरफेस नहीं है वहां पर बुलनोज ब्रिक नहीं देंगे ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ विल बी दी करेक्ट आंसर मॉडलर ब्रिक इज दी करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड ब्रिक मॉडलर ब्रिक इज दी करेक्ट आंसर ठीक है सर ठीक है आगे बढ़े चलिए सर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एसएससी जई दो का क्वेश्चन है फटाफट पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए सर एस एस सी जई दो का क्वेश्चन है फटाफट पढ़ो और इसका करेक्ट आंसर बताओ बताइए फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आप ये क्वेश्चन एज अ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों ब्रिक मैसेज में, में ब्रिक यूज करने से पहले आप उसे इमर्स करते हैं पानी में सोक करते हैं पानी में क्या रीजन इसका होगा बताइए मुझे फटाफट हा वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड देखो क्या होता है जब भी हम कभी ब्रिक मैशी करते हैं जैसे मान लीजिए एक ब्रिक ये है और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मोर्टार फिल करते हैं देखिए जैसे ये यहां पर आपने क्या मोर्टार फिल कर दी सीमेंट की मोर्टार ठीक है और इसके ऊपर भी सीमेंट मोर्टार आएगी इसके ऊपर भी सीमेंट मोर्टार आएगी और दूसरी ब्रिक क्या होगी सर इसके बगल में आएगी जैसे यहां पर दूसरी ब्रिक आ गई ठीक है अब अगर आपने ब्रिक को पानी में इमर्स नहीं किया होगा तो ये क्या करेगी सीमेंट मोटार कैसे बनाते हैं सीमेंट मोटार बनाते हैं सर सीमेंट में सैंड मिलाते हैं और वाटर। तब जाके सीमेंट मोटार बनता है अब अगर आपने ब्रिक को इमर्स नहीं किया पानी में ड्राई रही है तो ये ब्रिक क्या करेगी क्योंकि पोरस मटेरियल है ये क्या करेगी इस सीमेंट मोटार के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी अगर सीमेंट मोटार के वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा सीमेंट मोटार का वो क्या हो जाएगा सर अफेक्ट हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो जाएगी आ गई बात समझ में तो उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो जाएगी ध्यान रखिएगा सर ये चीज ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर एयर वॉल रिड्यूस करने के लिए भी नहीं होता है ई फ्लोरेसेंस रिड्यूस करने के लिए क्लीनिंग के लिए भी नहीं होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन ए विल करेक्ट आंसर फॉर प्रिवेंटिंग एब्सॉर्बन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाई ब्रिक आगे बात में? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया सर चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एस एस सी जेई दो हजार सत्रह में आया हुआ है पढ़े सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नहीं देखो अगर वाटर कंटेंट आ गया उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगा देखो सोक्ड ब्रिक क्यों होता है देखो जैसे मान लीजिए एक क्ले है अब एब्जॉर्प्शन क्यों होता है वाटर का मैं इसका रीजन बताता हूं जैसे मान लीजिए आपने इसे पानी में डाला इसमें की होगा जैसे मान लीजिए इसके अंदर पोर्स पोर्स हैं pores हैं अब ये पोर्स क्या है हैं। और बहुत हैं। आप पानी में डालोगे पानी सो करेगा कैसे पता चला हमें जैसे मान लीजिए एक ब्रिक है सर ये किलोग्राम की है, थ्री के जी की है आपने क्या किया एक जार लिया उस जार में पानी भर दिया और उस पानी भरे हुए पानी के चौबीस घंटे रखा इसे चौबीस घंटे बाद आपने निकाला इस इस ब्रिक का वजन हो गया था थ्री पॉइंट सिक्स के तो इससे क्या पता चला सर कि इसके अंदर पोर्स थे अब पोर्स अगर थे इसके अंदर ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा अब पहले से आपने एब्जॉर्ब इमर्स करके नहीं रखा था तो मोटार का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि पोर्स को तो क्या चाहिए सर वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए यस और है ना अब अब हम बताते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब्शन भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब आप बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों क्योंकि जितने ज्यादा पोर्स होंगे वॉल्यूम ऑफ वर्ड जितना ज्यादा होगा पोरोसिटी उतनी ज्यादा होगी अब जितनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड होंगी एरिया जिससे लोड ट्रांसफर होगा वो कम हो जाएगा एरिया बाय विच लोड कैन बी ट्रांसफर वो कम हो जाएगा अब अगर एरिया कम हो गया जिससे लोड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगी सर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो आप नहीं चाहते एक एक परमिशिबल लिमिट से ज्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब करे ये चीज बताइए समझ में आई संजीव बताइए समझ में आ गई चलिए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सिल्ट एंड क्ले बाई वेट शुड नॉट बी लेस देन सिल्ट एंड क्ले सिल्ट क्या होता है सर सिलिका सिलिका में ही तो होते हैं सिल्ट एंड सिल्ट एंड क्ले में तो सिलिका होता है अब सिलिका किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन सिलिका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होता है सर सिलिका कॉन्स्टिट्यूएंट 50 से 60 परसेंट होता है तो 50 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए सिलिका शुड नॉट बी लेस देन 50 परसेंट सिलिका शुड नॉट बी लेस देन 50 परसेंट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑप्टिमम होता है ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ इज दी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए दो हजार सत्रह का सवाल है अब ये इसकी ये मैंने थ्योरी में आपको कवर कराया हुआ है ये चीज मैंने थ्योरी में कवर कराया है इसका करेक्ट आंसर बताइए सर वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वो होती हैं जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर ले जाती हैं ठीक है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर ले जाती हैं तो यूज टू रजिस्ट हाई टेम्परेचर जहां कहीं भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है केमिकल का अटैक होता है वहां पर हम क्या करते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को यूज कर लेते हैं ये बात समझ में आ गई सर क्लियर है तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में क्या होता है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करना होता है क्लियर है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करना होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एस एस सी में आया हुआ है पढ़ो और इसका करेक्ट आंसर दो मुझे क्या करेक्ट आंसर होगा वॉट इज दी परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ सिलिका पूछा है सर फिर वही सलीम से याद रख सकते हैं सलीम सिलिका कितना होता है सर सिलिका 50 से 60 परसेंट होता है और एल्यूमिना कितना होता है एल्यूमिना होता है 20 से 30 परसेंट पचास से साठ और बीस से तीस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर फिफ्टी टू ऑप्शन डी फॉर देहरादून इज रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं सर बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सर ठीक है ना आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एसएससी जेई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है पढ़िए विच आर द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज़ इन द ब्रिक, एल्कली क्या होते हैं सोल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के ठीक है हाँ वेरी गुड वेरी गुड जैसे मान लीजिए ब्रिक्स में क्या है सोल्ट बहुत सारे हैं तो क्या होता है जैसे मान लीजिए वाटर ऐड किया आपने तो ये सोल्ट क्या होते हैं सरफेस पे आ जाते हैं और वाटर तो इवेपोरेट कर गया सर तो ये सोल्ट यहां पर व्हाइट पैचेस बना देते हैं इसको बोलते हैं सर ई रिएक्ट विद और वो सरफेस पे आ जाते हैं वॉटर इवेपोरेट कर जाता है सरफेस पे सोल्ट रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं व्हाइट पैचेस ग्रे पैचेस बनाते हैं दैट इज नोन एज ई फ्लोरसेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ई फ्लोरसेंस ई फ्लोरसेंस की भी लिमिट होती है ठीक स्लाइट ई फ्लोरसेंस मॉडरेट ई फ्लोरसेंस सीवियर ई फ्लोरसेंस ठीक है तो ये भी अभी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए दो हजार सत्रह का सवाल है ठीक है वॉट इज द एक्चुअल साइज एम एम ऑफ दी स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक मॉड्युलर ब्रिक बोला है सर स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक क्या होता है सर 190 नाइनटी एम एम इंटू नाइन एम एम में बोला नाइनटी तो और सेंटीमीटर mm में बोला माइनस वन पॉइंट वन सेंटीमीटर तो उन्नीस सेंटीमीटर इंटू नौ सेंटीमीटर इंटू नौ सेंटीमीटर यही है यही है कि नहीं है यस और नो बताएं मुझे वेरी गुड नॉमिनल होता तो आंसर सी कर देते वेरी वेरी गुड यार बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू नाइनटी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया यार वेरी वेरी गुड देखो YouTube में और स्पेशल क्लास में ये फर्क होता है YouTube में देख रहे हैं आप लोग तीस पैंतीस तीस पैंतीस स्पेशल क्लास में सौ तक बच्चे पार कर जाते हैं ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं आपकी मर्जी है चलो आगे बढ़ते हैं सर देखो यार इन क्वेश्चन सीरीज का ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन क्वेश्चन सीरीज का इतना अच्छा रिस्पांस इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन में आप लोग को दे रहा हूं आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है सीधे टेस्ट दीजिए इन सबका और आगे बढ़ जाइए बात समझ में आ रही है आप लोग को में आ रही है तो सर जो एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं एक बार आपने सुन लिया ना तो भी क्या कहते हैं चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे आप लोग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एसएससी जेई 2017 का सवाल है फटाफट आंसर करिए सर क्या करेक्ट आंसर होगा कब होती है क्लास देखिए YouTube पे तो जो होती है YouTube पे 12:45 के लगभग स्टार्ट कर देता हूं मैं 12:45 और स्पेशल क्लास जो होती है अन अकेडमी पे अन अकेडमी ऐप पर अन अकेडमी ऐप पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ये सात बजे से होती हैं सेवन पीएम से होती हैं तो ये बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पे सर मैं क्लासेस ले रहा हूं ये बारह पैंतालीस की जगह मतलब लगभग लगभग एक बजे में स्टार्ट कर देता हूँ और ये सात पांच पे इसमें ज्यादा टाइम डिले नहीं करता हूं मैं सात पांच पे स्टार्ट कर देता हूं मैं ये टाइमिंग है सर क्लास की अभी बता रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं सर प्रणव आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता रहा हूं अभी मैं वेरी हाँ, गुड यार अनिर्बान वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड ठीक है देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पग मिल्स इज यूज देखो पगिंग हम लोग करते थे ना द प्रोसेस ऑफ पगिंग इज यूज इन पग मिल्स और इसमें टेम्परिंग करते हैं क्ले में इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उसे मिक्स करते हैं ये सारी चीजें हम लोग करते हैं इसे क्या बोलते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक गलत है प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर कर रहे हैं डालने के बाद उसे बर्न करेंगे वेदर करेंगे ड्राई करेंगे फिर बर्न करेंगे फिर कूलिंग करेंगे क्लियर है अब देखो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल साइज और स्टैंडर्ड साइज़ देखो क्या होता है जैसे एक ब्रिक मैसेनरी मैं बना रहा हूं एक ब्रिक मैंने लिया देखिए बहुत ध्यान से बहुत ध्यान समझिएगा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये, एक ब्रिक है। ये एक ब्रिक है ठीक इस ब्रिक का साइज कितना है मान लेते हैं नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन है अब जब आप वॉल बनाएंगे जब आपने वॉल बनाई तो यहां पर आपने क्या फिल कर दिया सर मोर्टार फिल कर दिया मान लेते हैं इतना मोर्टार आपने फिल कर दिया ये मोर्टार फिल किया है इसके बाद दूसरी ब्रिक आ गई यहां पर ये दूसरी ब्रिक आ गई ठीक है ये येलो वाला क्या है सर मोर्टार आपने फिल कर दिया येलो वाला मोर्टार है ठीक सीमेंट मोर्टार तभी तो बॉन्ड आएगा इनके बीच में ये मोर्टार फिल किया है आपने यहां पर अब होता क्या है देखो बहुत ध्यान से मोर्टार की जो थिकनेस हम लोग यहां मोर्टार की वजह से होता क्या है अब ये जो लेंथ थी सर यहां से लेके यहां तक तो 19 थी अब ये टू है दो सेंटीमीटर है तो क्या मान के चलता हूं मैं आधा इसका मैं मान लेता हूं आधा इधर ये 20 हो गया और ये 20 हो गया तो अब मैंने क्या किया जैसे दो ब्रिक रखे मोर्टार के साथ तो कितना हो जाएगा सर फोर्टी हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो हम लोग क्या मान के चलते हैं नॉमिनल साइज जो ब्रिक की मान के चलते हैं जब भी कभी बोलते नॉमिनल साइज नॉमिनल साइज का मतलब ये होता है कि आपको ब्रिक प्लस मोर्टार की आपको डायमेंशन बतानी है तो ये कितनी हो जाएगी बीस इंटू दस इंटू दस हो जाएगी बीस इंटू दस इंटू दस हो जाएगी अब बात समझ में आई किसको डाउट था प्रणव आपको डाउट था ना हो गए सर क्या आपको लगता है कभी पचास का आंकड़ा टच हो जाएगा जैसे स्पेशल क्लास में मैं जब क्लास लेता हूं तो बच्चों से यही पूछता हूं सेंचुरी हो गई कि नहीं हो गई तो हर क्लास में लगभग लगभग सेंचुरी हो जाती है तो इसीलिए यूट्यूब पे चाहता हूं सर मैं हाफ सेंचुरी तो हो ही जाए है भाई <laughs> चलो सर आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं सर ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एसएससी जेई 2017 का सवाल है सर ये पढ़ो बिच ऑफ द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग मार्क इन ब्रिक फ्रॉग मार्क क्यों देते हैं उसका मेन रीजन क्या है सर ये पूछा है आपसे क्या करेक्ट आंसर होगा सर इसका बहुत बढ़िया देखो फ्रॉग मार्क क्यों देते हैं फ्रॉग मार्क देने का रीजन ये होता है कि सबसे जो टेक्निकल रीजन है फ्रॉग मार्क देने से क्या होगा सर यहां पर जब आप मोर्टार फिल करेंगे जब आप मोर्टार फिल करेंगे ना सर यहां पर

बट जो मेज मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो मेन रीजन है टेक्निकल रीजन जो है वो ये है कि इट एक्ट एज अ ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार ब्रिक और मोटार के बीच में ज्वाइंट बना देता है ये ठीक है बी फॉर भागलपुर इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़े सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड अब देखो एस एस सी दो हजार सत्रह में आया है वेयरहाउस के ऊपर मैं पूरा क्राइटेरिया बता दूंगा जैसे मान लीजिए मुझे सीमेंट स्टोर करना है ये मेरा वेयरहाउस है और यहां पर मैंने क्या किया अपने सीमेंट बैग स्टोर कर लिए सीमेंट बैग स्टोर करना है सर मुझे सीमेंट बैग्स रखने हैं मुझे इस वेयरहाउस में अब आपको पता है सीमेंट में जब वाटर सीमेंट क्या करता है हाइग्रोस्कोपिक होता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है तो आप कैसा वेरी वेरी गुड भाई वेरी वेरी गुड यार मतलब यार तुम लोग बिल्कुल हैश टैग ही चला दोगे हैश टैग हैशटैग क्लासेस हैश टैग ताबड़तोड़ आंसर है ना तुम लोग सारे ही आंसर दे रहे हो चीता बन गए हो तुम लोग बिल्कुल ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर आप नहीं चाहते कि इसकी जो रूफ हो आप चाहोगे रूफ वॉटर प्रूफ हो वॉल्स वाटर प्रूफ हो ठीक है विंडोज कम से कम हो क्योंकि विंडो ज्यादा से ज्यादा होंगी तो क्या होगा एक तो चोरी का भी खतरा हो सकता है और मॉइस्चर रिलेटेड विंड्स भी अंदर आ सकती हैं ठीक है यह बात समझ में आ रही है सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाटर प्रूफ मशनरी वॉल सही है वाटर प्रूफ रूफ भी सही है विंडो कम से कम होनी चाहिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया सर आप लोग को समझ में आया सर अरे नहीं भाई चलिए आगे बढ़ते हैं सर है ना इसका करेक्ट आंसर बताइए देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा क्योंकि अब कमी क्वेश्चन बचे हैं एस एस सी जे दो हजार सत्रह का सवाल है सर करिए इसका करेक्ट आंसर बीच फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नॉमिनल साइज बोला है नॉमिनल साइज एक स्टूडेंट को अभी समझाया था मैंने नॉमिनल साइज हाँ, अभी इसके बारे में मैं जो वेयर हाउस है ना सीमेंट वेयर हाउस उसके बारे में पूरी डायमेंशन लिखाऊंगा प्लेटफॉर्म कितनी थिकनेस का होना चाहिए वॉल कितनी थिकनेस की होनी चाहिए रूफ का स्लोप कितना होना चाहिए वेयर हाउस के बारे में पूरा डिटेल में ही समझा दूंगा मैं थोड़ा पेशेंसली सुन लीजिए इतना कर लीजिए फिर वेयर हाउस के बारे में पूरा समझा दूंगा करेक्ट आंसर बताएं सर इसका क्या होगा 2017 का सवाल है। नॉमिनल साइज क्या होता है सर 200 सो इंटू सो इंटू सो दो सो इंटू सौ इंटू यह नॉमिनल साइज हो गया ऑप्शन सी उसका करेक्ट उत्तर है देखो आ गया ना जल्दी से तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया सी फॉर चंडीगढ़ इज दी करेक्ट आंसर आगे बढ़े सर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है करेक्ट आंसर बताइए कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक चाहिए होती है पांच सौ तो पांच मीटर क्यूब में कितनी चाहिए होंगी सर पांच इंटू पांच सौ तो कितनी हो जाएगी सर पच्चीस सौ ब्रिक्स हो जाएंगी पच्चीस सौ ब्रिक हो जाएंगी ठीक है वेरी वेरी गुड पच्चीस सौ आंसर क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी इज दी फॉर देहरादून इज करेक्ट आंसर हाँ भाई फील्ड पे जीतू अलग फील्ड पे देखो आती तो ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज की हैं बट होता क्या है जब भी मशीन मोल्डेड ब्रिक्स नहीं होती हैं तो कुछ कुछ ब्रिक्स की जो साइज शेप डिफरेंट होता है साइज मतलब क्या होता है 19 की जगह 18.5 हो जाएगा इन सेंटीमीटर की जगह एट पॉइंट नाइन हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके के होते हैं तो आपको क्या करना है सर इंश्योर करना है प्रॉपर मशीन मोल्डेड ब्रिक्स आपको साइड पे मंगानी है। सिर्फ दो सौ रुपए पर थाउजेंड ब्रिक का डिफरेंस आता है बस टू हंड्रेड रुपीज पर थाउजेंड ब्रिक का डिफरेंस आता है और आपको बिल्कुल फिनिश्ड ब्रिक्स मिलती हैं तो कंजूसी नहीं करनी है इन चीजों में हर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एस एस सी जी में आया हुआ सवाल है ये क्या करेक्ट आंसर होगा वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड ठीक है अभी बताता हूं यार मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर बताता हूं देखो बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक देखो ये बताया था मैंने आप लोगों को बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक क्या होती है हॉलो ब्रिक्स होती हैं सर ये कौन सी ब्रिक्स होती हैं ये हॉलो ब्रिक्स होती हैं किस काम आती हैं हॉलो ब्रिक्स होलो ब्रिक्स किस काम आती हैं सर थर्मल इंसुलेशन के काम आती हैं थर्मल इंसुलेशन तो इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है बीस परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहां बीस तो है नहीं गई तो करेक्ट ऑप्शन क्या टिक मार देंगे सर पंद्रह परसेंट क्वालिटी हम और अच्छी कर देंगे पंद्रह परसेंट टिक मार के हमने क्या इंश्योर कर दिया क्वालिटी और अच्छी हो गई साहिल यार वो ट्रेडिशनल जीतू भाई फील्ड की नॉलेज देता तो हूं सर्च कर लो अपूर्व मित्तल सर ठीक है साइट विजिट ऐसे करके सर्च कर लो मिल जाएंगे आपको मेरी वीडियोस साइट की वीडियोस तो मैं डालता रहता हूँ ना चलिए तो ट्वेंटी परसेंट होता बट हमने करेक्ट आंसर क्या दे दिया सर फिफ्टीन अब आपका जो क्वेश्चन का डाउट है सर ये होती है ट्रेडिशनल साइज ब्रिक देखो यार वही कहता हूं मैं पहली क्लास भी अटेंड किया करो थ्योरी क्लास भी अटेंड किया करो थ्योरी क्लास में समझाया था मैंने ट्रेडिशनल ब्रिक्स क्या होती हैं ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होती है तेईस सेंटीमीटर इंटू ग्यारह पॉइंट चार सेंटीमीटर इंटू सात पॉइंट छह सेंटीमीटर होती है कि नहीं होती है ये ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं साहिल समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए थिकनेस ऑफ देखो एस एस सी जी दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ वन एंड हाफ ब्रिक वॉल जैसे मान लीजिए एक वॉल है एंड हाफ ब्रिक वॉल है क्या करेक्ट आंसर होगा एक ट्वेंटी और हाफ थर्टी तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एंड ब्रिक वॉल बहुत बढ़िया दिग्विजय यार बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड तो एक ब्रिक वॉल जो होती है वो ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर की होती है एक ब्रिक वॉल ट्वेंटी सेंटीमीटर की होती है और आधी और आप देख रहे हैं तो हाफ ब्रिक वॉल जो होगी जैसे ये चीज है ये वॉल है पूरी ये वॉल है तो यहां पर आपने क्या रखा ब्रिक रखा सर ये ब्रिक रखा और यहां पर हाफ ब्रिक और रखा और यहां मोर्टार फिल कर दिया जब आपने मोर्टार फिल किया तो ये नाइनटीन और ये सर नाइन और ये टू तो 19, 2 और 9 तो कितना हो गया मोर्टार की थिकनेस 2 मान ली 19, 2 और 9 तो 28 प्लस दो तीस तो 19 प्लस टू प्लस नाइन कितना हो गया सर 30 सेंटीमीटर हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर समझ में आया कैसे बताया मैंने वन एंड हाफ बॉल वॉल ब्रिक समझ में आया सर ठीक है आगे बढ़े सर आगे बढ़े तो वैसे जो साइट पे हम लोग वॉल बनाते हैं ऐसे बताते हैं नौ इंची की वॉल चार इंची की वॉल ऐसे करके हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं साइट पे ठीक है देखो कोड में हमारे जो डायमेंशन लिखी हुई है वो mm वगैरह में लिखी हुई है मगर हमें क्या करना होता है हम हमें हम जो बताते हैं जैसे इंचेस में भी काम कर लेते हैं और mm वगैरह में भी काम कर लेते हैं तो FPS सिस्टम में भी काम कर लेते हैं MKS एस सिस्टम में भी काम कर लेते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका करेक्ट आंसर बताइए एस एस सी दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है फटाफट करते हैं सर जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएं सर फटाफट आंसर करिए सर हाँ एल्यूमिनिया का कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है सर इसमें वेरी गुड एल्यूमिनिया क्या करता है सर प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है एल्यूमिना क्या करता है प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है जिसके कारण आप उसे डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर पाते हैं ठीक है तो मेंटेन इंक्रीज द द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक गलत हो गया सर ये तो सिलिका करता है मैन्युफैक्चर इमपर्मीएबल इम्परमियबल आपका नहीं रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड ये भी गलत हो गया सर तो करेक्ट आंसर क्या है मेंटेन प्लास्टिसिटी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो एल्यूमिनियम मेंटेन्स प्लास्टिसिटी जिसके कारण आप डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर पाते हैं आप उसे हा वेरी गुड यार ठीक है तो हीट हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा और वार्प कर जाएगा अगर एल्यूमिना एक्सेस में होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एस एस 2017 में आया हुआ है फटाफट आंसर करिए देखो अब तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं यार बहुत करेक्ट आंसर बताइए सर मैं लैपटॉप में चार्जर लगा देता हूँ एक मिनट दे दीजिए एक मिनट दीजिए बस वेरी वेरी गुड भाई वेरी वेरी गुड करेक्ट आंसर सभी का करेक्ट आंसर आया है बहुत ही बढ़िया वेरी वेरी गुड वॉट इज दस ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थिकनेस ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक आप देखो बहुत ध्यान से मॉडलर ब्रिक जो होते हैं सर वो कितने होते हैं नाइनटीन बीच में आपका मोर्टार फिर आपके पास तो टू वॉल ब्रिक है सर तो टू वॉल ब्रिक कितना हो जाएगा सर नाइनटीन प्लस टू प्लस नाइनटीन तो ये कितना हो जाएगा सर फोर्टी सेंटीमीटर विल बी दी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर देखो आगे बात समझ में ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर आई बात समझ में ठीक है आगे बढ़े चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एसएससी जेई 2017 का सवाल आया है चलो वॉट विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन यूज फॉर रूबल मेसनरी ठीक है दो तरीके की मैशनरी होती है एक तो होती है रूबल मैशनरी और होती है एसलर ठीक है, दो तरीके की मैसेनरी होती है सर एक तो होता है सर रूबल मैसेनरी और एक वो आपका होता है एशलर मैसेनरी अब मैं आपको दोनों में अंतर समझा देता हूं देखिए रूबल मैसेनरी और एशलर मैसेनरी में अंतर समझा देता हूं ये देखिए ये डिफरेंस होता है रूबल और एशलर मैसनरी में देखिए जब भी कभी इरेगुलर शेप होते हैं ठीक है इरेगुलर शेप होते हैं तो वो होता है सर रूबल मैसनरी जैसे ये देखिए गैप्स बहुत ज्यादा ज्यादा हैं गैप बहुत ज्यादा हैं ठीक है और इररेगुलर शेप हैं किसी का शेप कुछ है किसी का शेप कुछ है तो उसे बोलते हैं सर रूबल मैशनरी अब जब ऐसा होता है तो हार्ड स्टोन यूज करते हैं और जब भी देखो रेगुलर शेप आपका होता है जैसे मैं आपको बताऊं रेगुलर शेप कहां दिख रहा होगा ये देखिए यहां पर ये देखिए ये ये वाली चीज देखिए ये ये सेंटर वाली ये वाली ये वाली चीज देखिए ये रेगुलर फेसेस हैं सर बिल्कुल मतलब रेगुलर फेसेस हैं ये देखिए ये कौन सी मशनरी है ये एस्टलर मैशनरी होती है ये वाली देखिए तो दो मैशनरी होती है एक होती है रूबल मशनरी एक होती है एस्टलर मैशनरी समझ में आ रहा है सर क्लियर है सर क्लियर है सारी चीजें ठीक है तो देखो बहुत ध्यान से देखो यहां क्या लिखा है रूबल मैसनरी में कौन सा हम लोग स्टोन यूज करेंगे भाई यहां पर गैप ज्यादा है गैप ज्यादा है और यहां गैप कम है गैप कम है स्मूथ फेसेस है यहां हार्ड मतलब शार्प फेसेस है यहां ड्रेसिंग नहीं करते हैं तो यहां पर क्या यूज करेंगे सर हैवी हे, वेटेड स्टोन यूज करेंगे सर हैवी वेटेड स्टोन यूज करेंगे इन रूबल मैसनरी बात समझ में आ गई आप लोग को सबको समझ में आया सर आगे बढ़े चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एस एस सी जी दो हजार सत्रह का सवाल है पढ़िए इंचेस में आपसे थिकनेस पूछा है वन ब्रिक मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक अब देखो ट्रेडिशनल ब्रिक में थिकनेस पूछा है सर ट्रेडिशनल ब्रिक में आपसे क्या पूछा है थिकनेस पूछा हुआ है ट्रेडिशनल ब्रिक में थिकनेस पूछा हुआ है आगे बात सुन में बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होती है देखो बहुत ध्यान आज ही बताया था मैंने आप लोगों को नाइन इंच इंचीमीटर में तेईस सेंटीमीटर इंटू ग्यारह चार सेंटीमीटर इंटू सात पॉइंट छह सेंटीमीटर यही तो होता है अब क्या थिकनेस है सर नाइन थिकनेस है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर वैसे थिकनेस देखा जाए तो फोर एंड हाफ या थ्री में से आप बोलेंगे बट यहां पर क्या चीज है कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं तो हम नाइन इंचेस पे टिक कर देंगे तो थिकनेस जो है सर इसकी हां थिकनेस इस इज ठीक है आगे बढ़ते हैं सर करेक्ट आंसर बताइए ई फ्लोरोसेंस इन द बिग इज कॉस ड्यू टू एस एस सी दो हजार सत्रह का सवाल है ठीक है करेक्ट आंसर बताइए ई फ्लोरसेंस किस वजह से होता है एक्सेस बर्निंग ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले हाई पोरोसिटी प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट तो एल्कलीज की वजह से होता है सर वेरी वेरी गुड एल्कलीज की वजह से होता है एल्कलीज क्या होती है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सर सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट की वजह से होता है हाँ वेरी गुड तो ये सॉल्ट हैं सर ठीक है इसकी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन विल बी डी प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंटली ठीक है वेरी वेरी गुड आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वन क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी में कितने ब्रिक चाहिए सर एस एस सी जे दो हजार सोलह सत्रह का सवाल है फटाफट आंसर करिए हाँ वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज देखो एक मीटर क्यूब एक साइज ब्रिक का साइज कितना है विद मोर्टार विद मोर्टार पॉइंट टू मीटर इंटू पॉइंट वन मीटर इंटू पॉइंट वन मीटर तो ये कितना आ जाएगा सर पांच सौ ब्रिक्स आ जाएंगे तो एक मीटर क्यूब ब्रिक मैनरी में पांच सौ ब्रिक होंगे ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर है सर आगे बढ़े क्लियर है सर आगे बढ़े भेजे द फॉलोइंग मिनरल रिस्पॉन्सिबल रेड कलर इन ब्रिक रेड कलर इन ब्रिक एस एस सी जी दो का सवाल है सर ये रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताइए मुझे द फॉलोइंगरल इज रेड कलर इन ब्रिक देखो आयरन होता है ना आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड क्या करता है इट एक्स एज फ्लक्स हेल्प करता है सिलिका को बर्न करने में एज वेल एज इट इम पार्ट टिंट कलर टू दी ब्रिक तो चेरी रेड कलर देता है अगर आप इन ऑप्शन इन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो चेरी रेड कलर आ जाता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर ठीक है अबे पहले क्या दो हजार सत्रह पे तो आ गए हैं दो हजार सत्रह अट्ठारह पे आ गए हैं पहला क्या होता है और और इससे पहले क्या दो हजार बीस तक के ही तो पेपर हुए हैं पहले का मतलब तो नाइनटीन 92 वन टू हो गया हम तो दो हजार सत्रह पे आ गए हैं आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए एस एस सी जेई दो हजार सत्रह का सवाल है करेक्ट आंसर होगी। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेम्परिंग कहां पर यूज होता है देखो अभी हमने देखा था जैसे बॉल टेम्परिंग होता है यहां पर क्या होगा इंग्रेडिएंट की टेम्परिंग मतलब चेंज करना ठीक है जो भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है वो डाल देना तो टेम्परिंग कहाँ पर होता है सर ये टेम्परिंग इज डन इन कहाँ पर होता है सर फटाफट बताइए मुझे ब्रिक्स में होता है तो टेम्परिंग इज यूज इन ब्रिक्स हाँ ए इज द करेक्ट आंसर नहीं भाई ए फॉर अमेरिका तो नहीं बोलेंगे ए फॉर अमृतसर बोल देंगे भाई हम देसी आदमी तो ए फॉर अमृतसर सही है आगे बात समझ में आगे बढ़ते हैं सर तो देखो ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर किया है पहले अनस्लिंग होती है ऊपर की जो टॉप लेयर होती है की उसे आप रिमूव कर देते हैं उसे बोलते हैं सर अनसॉइलिंग के बाद होती है डिगिंग मतलब उसमें सॉइल को एक्सकवेट करेंगे डिगिंग डिगिंग करने के बाद आप क्या करेंगे उसे क्लीन करेंगे ठीक है डिगिंग करने के बाद आप क्लीनिंग करेंगे ठीक है फिर उसके बाद टेम्परिंग करेंगे जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो मिक्स कर देंगे फिर नीडिंग करेंगे मतलब उसे मिक्स करेंगे टेम्परिंग नीडिंग फिर उसके बाद मोल्डिंग करेंगे टेम्परिंग नीडिंग मोल्डिंग टेम्परिंग नीडिंग मोल्डिंग फिर उसे मोल्ड में डालेंगे मोल्ड में डालने के बाद उसे क्या करेंगे सर वेदर्ड करेंगे ताकि मॉइस्चर रिमूव हो जाए ठीक है फिर ड्राई करेंगे बर्न करेंगे ऐसे करके आप पूरा ब्रिक बनाते हैं ड्राइंग और फिर बर्न करेंगे और फिर आपके पास क्या बन जाएगा ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग आपकी ऐसे होती है पूरी की पूरी क्लियर आगे बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए एसएससी हजार 2017 का क्वेश्चन है फटाफट पढ़िए नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन सेंट नॉमिनल पूछा है सर देखो अगेन नॉमिनल पूछा है नॉमिनल साइज पूछा है तो नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा सर बीस इंटू दस इंटू दस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब भी कभी नॉमिनल पूछा होगा तो क्या करेक्ट आंसर करेंगे बीस सेंटीमीटर तो दस सेंटीमीटर दस ठीक है वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड ठीक है मैं चाहता हूँ यार कि मेरी क्लासेस को और शेयर कर दीजिए आप लोग ठीक है जहां जहां अपने यार दोस्तों बता सकते हो कोई डिप्लोमा होल्डर भी हो चाहे बी होल्डर भी हो अगर आप स्टेट ए और जे की तैयारी कर रहे हैं सर आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल वरदान साबित होंगी इतने सारे ब्रह्मास्ट मैं आपको दे रहा हूँ इतने सारे आपके तर्कश में तीर दे रहा हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ आर पढ़ा चुका हूँ बिल्डिंग मेटर पढ़ा रहा हूँ सोम पढ़ा चुका हूँ इसी चैनल पर देखो ना यार इसी चैनल पे मेरे वीडियोस देखो यार सत्तर हजार व्यूज हैं सर सत्तर हजार व्यूज हैं वीडियोस में तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया यार बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार एक लाइक तो आप लोग जरूर कर सकते हो और क्लास होने के बाद यार एक छोटा सा कॉमेंट आप कर सकते हैं ठीक है इतना यार मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं तो इतना तो यार आप एक अपने मास्टर के लिए कर ही सकते हो ना यार कि हाँ ठीक है आपसे कुछ सीख रहे हैं तो इतना तो आपके लिए बनता है है कि नहीं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए भाई मुझे चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए हॉफमैन क्लिन कहां यूज होता है सर एसएससी एस 2017 दो का सवाल है ऑफमैन क्लीन क्लिन कहाँ यूज़ होता है सर ये बता दीजिए आप मुझे बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा हाँ वेरी गुड यार हॉफमैन क्लिन देखो क्या होता है कि जो बर्निंग आपकी होती है जो बर्निंग होती है तो आप क्या करते हैं सर एक तो क्लैंप्स में करते हैं और क्लिंस में करते हैं हाँ वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड यार क्लैंप्स में और क्लिंस में क्लैंप्स में होता है सर और क्लिंस में होता है ये बर्निंग होती है सर थैंक यू सो मच यार अनिरबान यार थैंक यू सो मच मेरे भाई ठीक है देखिए तो क्लाम्स तो सर देसी जुगाड़ हो गया क्लीन क्या होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं इंटरमीडियंट क्लीन होता है हॉफमैन मैन क्लीन होता है बुल ट्रेंच क्लीन होता है ठीक है तो हॉफमैन क्लीन सर जो काम आता है वो बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स में काम आता है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ऑप्शन बी इज दी आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर क्लियर है आगे बढ़े कौन सा बेस्ट होता है देखो अब देखो हॉफमैन होता है बुल ट्रेंच होता है एक तो होता है हॉफमैन ऑफमैन क्लीन होता है और एक होता है ट्रेंच बुल ट्रेंच क्लीन होता है अब होता क्या है इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं बुल ट्रेंच यूज करते हैं क्योंकि इसमें इनिशियल कॉस्ट कम लगती है बनाने में इनिशियल कॉस्ट आपकी क्या लगती है सर कम लगती है स्पेस ज्यादा चाहिए हमारे पास जगह की कमी नहीं है मगर पैसे की कमी है तो इसलिए नहीं तो डायलॉग पे ना जाइएगा पैसे की कमी नहीं है ठीक है बट यहाँ पे जब प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाई जाती है प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल कंस्टेंट सबसे बड़ा कंस्टेंट होता है इसीलिए हम उन सारी चीज़ों पे जाते हैं जो फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं मतलब कॉस्ट सेविंग अफेक्टिवनेस हम लोग यहाँ पर जरूर देखते हैं तो हम लोग इंडिया में बुल ट्रेंच क्लिन यूज करते हैं हॉफमैन क्लिन में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है और इफेक्टिव होता है बट इंडिया में हम लोग बुल ट्रेंच यूज़ करते हैं अमित भाई राजस्थान जेई के बारे में ठीक है आज मेरा एक सेशन है सर याद रखिएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं आज जो मेरी क्लास है ना सर सात बजे से नौ बजे तक सात बजे से नौ बजे तक जो आज मेरी क्लास है सात बजे से नौ बजे तक जो मेरी क्लास है उसमें मैं अन अकेडमी की स्पेशल क्लास है सर अन अकेडमी स्पेशल क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर तो इसमें इसके बाद साढ़े नौ बजे से साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक आज मेरा आज की और डाउट सेशन है आज की और डाउट सेशन है इस सेशन में सर आप लोग अपने कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं राजस्थान जे की तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं क्लियर है सर ये सारी चीजें आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं तो आज की दोनों क्लासेस का टाइमिंग याद रखिएगा ठीक है फ्री है सर ये फ्री है अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है फ्री है मुफ्त है सर मुफ्त ज्ञान बरस रहा है लपेटने वाला चाहिए बस आगे बढ़ते हैं सर इसका करेक्ट आंसर बताइए सर एस एस सी दो हजार अट्ठारह पे आ गए हैं हम लोग अब देखो जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना पहले इजी आते थे अब टफ आते हैं देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के बारे में पूछा है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के बारे में पूछा है अब मैंने आपको बताया है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया हुआ है मैंने आप लोग को टेन पॉइंट फाइव सेवन फाइव थ्री पॉइंट फाइव कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है वेरी वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड करेक्ट आंसर क्या है थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यस और नो समझे सर 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यस और नो आगे बढ़े सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए देखो शेप किस आईएस कोड में दिया हुआ है एसएससी जेई 2018 में आया हुआ है तो एक तो मैंने आपको बताया था 6165 ठीक है एक तो मैंने आपको बताया था चलिए शेप अच्छा ये मैंने आपको थ्योरी में लिखा दिया है शेप के बारे में कहां दिया हुआ है सर शेप क्लासिफिकेशन कहाँ पढ़ दिया है कि ट्रेडिशनल का कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड का कितना होना चाहिए मॉडलर का कितना होना चाहिए इसके लिए जो आईएस कोड है आईएस 6165 है 6165 1971 तो शेप के लिए कौन सा आईएस कोड है आईएस 6165 क्लियर है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है जो मैंने पहली ब्रिक की पहली क्लास ली थी उसमें जो नोट्स कवर कराए थे उसमें ये पूरा मैंने लिखाया हुआ है ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास ए रूफ टाइल देखो रूफ टाइल पूछ लिया गया है ये भी आपको याद रखना है देखिए दो हजार 2018 का सवाल है अब देखो क्लास ए ब्रिक का तो हमें पता है सर क्लास ए रूफ टाइल के बारे में पूछ लिया सर क्लास ए रूफ टाइल्स जो आपकी होती हैं ठीक है आजकल बहुत एड आ रहे हैं सर इसके क्या करेक्ट आंसर होगा वेरी गुड अब देखो कैसे आप यहां पर वर्क कर सकते हैं बीस परसेंट से कम होना चाहिए क्लास ए बोला है ना क्लास ए क्लास ए ब्रिक का बीस परसेंट से कम तो बीस परसेंट से कम कौन सा ऑप्शन है यहां पर बीस परसेंट से कम तो ये तो देखो बहुत ही कम हो गया ये भी नहीं होगा ये बीस से चौबीस हो गया तो ऐसे भी आप गैस वर्क कर सकते हैं अगर वर्क करना होगा तो चौदह से उन्नीस आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है क्लास ए रूफ का तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए ये गुड ब्रिक अर्थ एस एस सी का सवाल है बताइए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन तो इसीलिए तो चौदह परसेंट पे आ गए हैं भाई कम होता है इसीलिए तो चौदह परसेंट पे आ गए हैं बात समझ उन्नीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रिक में बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए बहुत सही देखो सलीम से याद किया है कि नहीं किया है सिलिका कितना होता है पचास से साठ परसेंट एल्यूमिना कितना होता है बीस से तीस परसेंट होता है लाइम पांच परसेंट से कम होना चाहिए वेरी वेरी गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी फॉर डेली इज दी करेक्ट आंसर फॉर देहरादून इज दी करेक्ट आंसर ठीक है <laughs> आगे बढ़े सर चलो अगला क्वेश्चन सर एकदम यूनिक क्वेश्चन है अभी तक नहीं पूछा गया कभी भी एस एस सी जे दो का सवाल है पढ़ो बे देखो देखो, जो सरफेस एरिया होता है कितने सरफेस एरिया पे ई फ्लोरसेंस है भाई प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगी सर हाँ ये कोडल प्रोविजन से आया देखो क्या होता है जैसे मान लो कोई ब्रिक वॉल है इस ब्रिक वॉल पे कहीं पे भी ई नहीं है तो आप बोल देंगे नल नील उसके बाद क्या है इस टोटल एरिया के दस परसेंट से कम एरिया पे अगर ई तो बोल देंगे स्लाइट ई अगर दस से पचास परसेंट एरिया पे ई फ्लोरसेंस बोलेंगे मॉडरेट और अगर पचास परसेंट से ज्यादा एरिया पे ई तो बोल देंगे और अगर कहीं पे पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में झड़ने लग गया तो क्या हो जाएगा सर तो बोल देंगे सीरियस ई फ्लोरेसेंस यहां पर क्या पूछा है आपसे दस परसेंट से, से ज्यादा है पचास परसेंट से कम है द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड क्या हो जाएगा सर क्या हो जाएगा इट इज मॉडरेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आया इट इज ऑप्शन बी मॉडरेट बताएं सर समझ में आया तो आज ही क्लास में सर पैंतालीस हो गए जस्ट कुछ हाफ सेंचुरी होते होते जस्ट कुछ रह गए सर बट कोई बात नहीं हम कोशिश करेंगे अगली क्लासेस में पचास पचास स्टूडेंट मतलब हाफ सेंचुरी हो जाएगा रे सर क्लास में ठीक है 47 हो गए अरे भैया आज तो लग रहा है हाफ सेंचुरी हो के ही रहेगी मतलब हैं हाफ सेंचुरी मतलब हो के ही रहेगी जैसे स्पेशल क्लास में फुल सेंचुरी हो जाती है स्पेशल क्लास में आप लोग जुड़ा करें सर फुल सेंचुरी हो जाती है वहां पर <laughs> आगे बढ़े सर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एस एस सी दो हजार अट्ठारह का सवाल है इसमें नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट गलत आंसर देंगे देखो क्या करेक्ट आंसर होगा ये क्या है ये क्या है देखिए क्या डिफरेंस होता है देखो यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा सर <laughs> इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर नहीं यहां पर स्टूडेंट गलत कर गए चलो मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूं देखो बहुत ध्यान से मैंने ये आपको ब्रिक बताई थी ये देखिए ठीक है तो किंग क्लोजर में क्या करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा सर किंग क्लोजर में क्या किया मैंने ये ऐसे काट दिया ब्रिक को ये ऐसे काट दिया तो क्या हुई ये वाली लेंथ जो है वो भी हाफ हो गई ये वाली जो विड्थ है ये वाली विड्थ भी हाफ हो गई तो जब भी कभी लेंथ और विड्थ हाफ हो जाएगी तो ये होता है सर किंग क्लोजर किंग क्लोजर बात आ गई अब देखो बहुत ध्यान से किंग क्लोजर और ये जो है सर ये कैंट है ऑप्शन सी है ये ये अब देखो क्यों क्यों बोला बोला सर मैंने ऑप्शन ऑप्शन सी सी यहां पर देखिए आधे से ज्यादा लेंथ बची हुई है आधे से ज्यादा लेंथ बची हुई है बट व्यर्थ आधी हो गई है व्यर्थ आधी हो गई है बट किंग क्लोजर में क्या होता है लेंथ भी सर आधी हो जाती है और विर्थ भी यहां पर आधी हो जाती है ये डिफरेंस होता है किंग क्लोजर और कैंट में समझ में आया सर आप लोग को ये चीज मैं इमेज से भी दिखा देता हूं आप लोग को ये देखिए सर कैंट आप देख रहे हैं ये देखो ये वाला डायग्राम देखो ये वाला डायग्राम देखो ये देखो सर बहुत थोड़ा सा ब्रिक कट किया है बहुत थोड़ा सा ब्रिक कट किया है ये डिफरेंस होता है सर कैंट में अब ये देखिए जैसे कैंट ब्रिक अरे ये देखिए सर ये कैंट ब्रिक है ये देख रहे हैं आप लोग ये वाली कैंट ब्रिक बहुत थोड़ा सा कट किया है मगर विड़थ आदि कर दें लेंथ भी आदि कर दें वो होता है किंग क्लोजर डिफरेंस में आ रहा है सर आप लोग को ये ब्रिक देखिए इसे डबल कैंट बोलते हैं डबल कैंट यूज किया है ये देखिए कैंट लेंथ देख रहे हैं आप लोग लेंथ देख रहे हैं बहुत सारी लेंथ स्ट्रेट आपको मिल गई है बहुत कम लेंथ काटी है आपने आई बात सौन में सौ में आया डिफरेंस बिटवीन कैंट और किंग क्लोजर सौंज में आ गया हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं आ गई बात सर में तो सर ये जो डायग्राम है अब आप एग्जाम में बैठे हो तो कैसे सोचोगे कि ये तो किंग क्लोजर है मगर सही मायने में ये क्या था सर कैंट है ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर समझ में आ गई सारी बातें समझ में आ गई सर सारी बातें चलिए सर तो आज की क्लास फिर यहीं ओवर करें तो आप में से कोई भी या आपका कोई भी भाई बंधु अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है सर आप मेरा यह रेफरल कोड रिकमेंड कर सकते हैं ए एस एम लाइव तो लाइव हम लोग पढ़ी रहे हैं और मेरा पूरा नाम है अपूर्व शुभम मित्तल उसका अपूर्व का ए शुभम का एस मित्तल का एम ए ए एस एम लाइव ये कोड यूज कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आज की क्लास बढ़िया लगी होगी यार आप लोगों को आज की क्लास बढ़िया लगी है तो एक लाइक like जरूर कर दीजिएगा और सर कमेंट में सर बता जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी ठीक है कल फिर मिलेंगे सर साढ़े बारह बजे से ढाई बजे तक ठीक है कल फिर दो घंटे कल की जो क्लास होगी सर अच्छा इवनिंग के बारे में भी बता देता हूं कल की जो क्लास है उसमें कल के क्लास के बारे में बता देता हूँ तो टमोरो यूट्यूब वाली जो क्लास है YouTube वाली क्लास की जो टाइमिंग है 12:45 से है 12:45 से है इसमें कल मैं आपको सीमेंट की थ्योरी बताऊंगा सीमेंट की थ्योरी बताऊंगा और शाम को जो साथ अन एकेडमी ऐप पर है अनएकेडमी ऐप पे है सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है अन अकेडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस बोलते हैं इसे दीज आर स्पेशल क्लासेस ठीक है ये है सर सात बजे से सात नहीं बल्कि सात पंद्रह से कर लेते हैं आज सात पंद्रह से नौ पंद्रह सात पंद्रह से नौ पंद्रह और फिर उसके बाद साढ़े नौ से आस्क योर इसमें सर मैं आप लोगों को सीमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद साढ़े नौ बजे से आज एक क्लास है उसमें आपके कोई भी डाउट है उसे उसको बोलेंगे सर आस्क योर डाउट कोई भी आपके डाउट है आप वहां पर उसमें पूछ सकते हैं सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो सारी क्लासेस सर क्या हो रही है हमारी हैश टैग ताबड़ तोड़ क्लासेस ताबड़ तोड़ क्लासेस हो रही है सर ठीक है अरे बूझे कि नहीं बूझे भाई तो ये टाइम याद रखिएगा सर ठीक है तो कल हम लोग मिलेंगे सीमेंट की थियोरी के साथ और अनअकेडमी ऐप पर जो स्पेशल क्लासेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो जुड़ते हैं सवा सात बजे से सेवन फिफ्टीन ठीक है ई एस सी में जो बी एम सी के क्वेश्चन आते हैं दस क्वेश्चन आते हैं सर डेढ़ सौ में से दस क्वेश्चन आते हैं तो और अगर आप लोग पहली बार अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इन क्लासेस को देखने के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा ए एस एम लाइव पैसे नहीं देने हैं सर बट कोड लगाना है बस कोड लगाना है ए एस एम लाइव तो ये कोड अप्लाई करेंगे ए एस एम लाइव तो क्या हो जाएगा आपकी क्लासेस ओपन हो जाएंगी ठीक है अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो चलिए सर आज का सेशन फिर यही ओवर करें आई होप आपको आज का कर... यार आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में बता दो यार मुझे आज के सेशन में मजा आया कमेंट में बता दो यार एक बार चलिए भाई फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग बहुत बढ़िया रही आज की क्लास ब्रिक हमने समाप्त कर दिया है कल से हम लोग सीमेंट पे आ जाएंगे सर ठीक है थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच तो मिलते हैं सर शाम को अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे और कल यूट्यूब पे अपनी ताबड़तोड़ क्लासेस में ठीक है कल मिलेंगे सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई चलो मिलते हैं शाम को सात बजे ठीक है ध्यान रखिएगा सर सवा सात बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये साढ़े नौ बजे इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके डाउट्स रहेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मिलते हैं कल थैंक यू सो मच यार